उस स्पीच में उन्होंने क्लियरली कहा कि आई एम अ इंडियन फर्स्ट देन अ महाराणा। रोल मॉडल रूलर गायब कर दिया गया जम्मू कश्मीर के इतिहास से, और वो भी मॉडर्न हिस्ट्री में, जिसका नाम काफी इम्पोर्टेंट है। उनके बारे में जहाँ जहाँ जिक्र था उसको डिलीट करने की कोशिश की गई और उस पूरे पीरियड को ब्लैकआउट करने की एक कोशिश रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मंदिरों के शहर जम्मू से मैं हूँ आपके साथ शीतल राजपूत। भारत का अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर, भारत का मुकुट जम्मू कश्मीर। भारत अपनी आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है, अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, और साथ ही हम मना रहे हैं जम्मू कश्मीर के भारत के साथ संपूर्ण विलय के 75 साल। 19वीं सदी के मध्य में महाराजा गुलाब सिंह ने जम्मू कश्मीर राज्य की स्थापना की और यही से शुरुआत हुई डोगरा राजवंश के शासन की, जो कि 1947 तक चला। महाराजा हरी सिंह डोगरा राजवंश के आखिरी शासक थे। 1947 तक महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर पर राज किया। 1895 में महाराजा हरि सिंह का जन्म इसी अमर महल में हुआ था जहाँ इस वक्त मैं खड़ी हूँ, और वहीं से महाराजा की शुरुआत हो गई, उनके लगाव की, उनके अथाह प्रेम की जम्मू कश्मीर की संस्कृति से, जम्मू कश्मीर की मिट्टी से, यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब से। आधुनिक आलीशान फ्रेंच शैली में बने इसी अमर महल में जम्मू कश्मीर के आखिरी शासक महाराजा हरि सिंह ने अपना बचपन बिताया। राजा अमर सिंह के बेटे हरि सिंह लड़कपन से ही बेहद होनहार, तेजवान और बहुमुखी शख्सियत के मालिक थे। तेरह साल की उम्र में उन्हें पढ़ने के लिए अजमेर के मेयो कॉलेज भेजा गया। मेयो कॉलेज में शुरुआती पढ़ाई के बाद उन्होंने देहरादून में इंपीरियल कैडेट कोर में मिलिट्री ट्रेनिंग हासिल की। हरि सिंह एक जबरदस्त योद्धा थे और इसी गुण की वजह से 1915 में महज 20 साल की उम्र में उन्हें राज्य की सेना में कमांडर इन चीफ बना दिया गया। इसके ठीक 10 साल बाद 1925 में अपने पिता के भाई और तब के महाराजा प्रताप सिंह की मृत्यु के बाद हरि सिंह जम्मू कश्मीर के महाराजा बना दिए गए। 1925 में हरि सिंह जम्मू कश्मीर के महाराजा बने और इस गद्दी पर काबिज हुए, और इसके बाद शुरू हुआ राज्य में धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समरसता और प्रगति का एक लंबा और सुनहरा दौर। हरि सिंह सभी को समान अधिकारों में विश्वास करते थे। वो जाति, धर्म, संप्रदाय या क्षेत्र के नाम पर किसी में भेदभाव नहीं करते थे। वो जितने जम्मू के थे उतने ही कश्मीर और लद्दाख के भी थे। 80% बहुसंख्यक जनता के इस अल्पसंख्यक महाराजा ने राज्य को, जम्मू कश्मीर को एक परिवार की तरह समझा और वैसे ही चलाया। और उनका जो सबसे बड़ा एक प्रिंसिपल था कि जस्टिस फॉर ऑल, जस्टिस इज माय रिलीजन एंड ऑल रिलीजन्स आर माइन, वो एक बहुत अपने आप में एक बहुत डीप और बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम आज गर्ल चाइल्ड की बात करते हैं या वुमेन्स राइट की बात करते हैं, उन्होंने उस समय एक तो सती प्रथा को अबॉलिश किया, उन्होंने गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को कंपलसरी किया, एजुकेशन को फ्री किया, उन्होंने विडो रीमैरिजेस को एनकरेज किया। उस टाइम एक स्टिग्मा हुआ करता था कि अगर आप विडो हैं तो दोबारा शादी नहीं कर सकते। उन्होंने उन लोगों के घर बसाने का काम किया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जम्मू के प्रसिद्ध बावे वाली माता के मंदिर में। बावे वाली माता में जम्मू वासियों की गहरी श्रद्धा और आस्था है, और यही जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज परिवार की कुल देवी भी हैं। यहाँ आज हर धर्म, संप्रदाय, जाति के लोग बेरोक टोक आकर दर्शन करते हैं। कोई मनाही नहीं है, कोई रोक नहीं है, लेकिन 1929 से पहले ऐसा नहीं था। तब
मंदिरों के दरवाजे दलितों के लिए नहीं खुले थे, लेकिन महाराजा हरि सिंह ने पहली बार ये क्रांतिकारी कदम उठाया 1929 में, जब जम्मू कश्मीर के सभी मंदिरों के दरवाजे दलितों के लिए खोल दिए गए। उस समय के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा फैसला था, बहुत बड़ा कदम था, जिसे उठाने का मादा हर शासक में नहीं था। महाराजा हरि सिंह ने समाज सुधार के लिए और भी कई सारे काम किए। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को हटाने के लिए बहुत कदम उठाए, जैसे सती प्रथा पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया जम्मू कश्मीर में, बाल विवाह की मनाही कराई उन्होंने जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए भी उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर जम्मू कश्मीर में काम किया, कई सारे स्कूल व्यापक स्तर पर खोले गए। वे एक खुली सोच के, आधुनिक सोच के, प्रगतिशील शख्सियत के व्यक्ति थे और उन्हें रूढ़िवादी परंपराओं, दकियानूसी परंपराओं और सोच से नफरत। ये महाराजा गुलाब सिंह जी के टाइम का बना हुआ है। यहाँ पर ये जम्मू के जो महाराजा हैं, ये उनकी कुलदेवी फैमिली गॉडेस है। ये यहाँ पर इतवार और मंगल को मेला लगता है। जम्मू का प्राचीन मंदिर है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आते हैं। नेचर से ही सेकुलर थे और जम्मू कश्मीर के अगर आप पिनल कोड देखें, क्योंकि अभी 370 से पहले एक पिनल कोड चलता था जिसे रणबीर पिनल कोड कहा जाता था, जो इंडियन पिनल कोड से काफ़ी प्रभावित था। तो न्याय प्रक्रिया जो थी वो सब पे बराबर थी। तुष्टिकरण नहीं था कि मुसलमान है, दलित समाज से है, ब्राह्मण समाज से, क्षत्रिय समाज से, सभी को एक दृष्टि से देखा जाता था। पब्लिक के नज़रिए से वो एक कुशल राजा थे, एक सेकुलर राजा थे। सिंह तो अपनी जनता के प्रिय महाराजा थे ही, लेकिन उनकी पत्नी महारानी तारा देवी भी जनता में खासी लोकप्रिय थी। खुद एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाली महारानी तारा देवी दूर दराज के इलाकों में जाती थी, गांवों में जाती थी, ग्रामीणों से मिलती थी, उनकी समस्याएं सुनती। भारत में इंडियन सबकॉन्टिनेंट के सबसे बड़े अस्पताल शायद सबसे पहले जम्मू कश्मीर में आए थे। जम्मू में महाराजा गुलाब सिंह अस्पताल और श्रीनगर में जो आज जिसे श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल कहा जाता है, दो बड़े अस्पताल दिए गए चिकित्सा के लिए। उस समय के काफ़ी एडवांस्ड अस्पताल थे। इसके अलावा शिक्षा पे काफ़ी काम किया उन्होंने, कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, कॉलेजों का निर्माण, स्कूलों का निर्माण, अमर सिंह कॉलेज, SP कॉलेज जैसे कॉलेज देना उस समय में, जहाँ पर कॉलेज बहुत ही लिमिटेड होते थे इस पूरे भारतवर्ष में। इसके अलावा लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना सेरिकल्चर के थ्रू, हॉर्टिकल्चर के थ्रू, उसको बढ़ावा देना। इसके अलावा पावर, जम्मू कश्मीर वो एक ऐसा राज्य था जिसमें शायद पावर, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो सबसे पहले आई थी, मतलब काफ़ी राज्यों के मुकाबले। तो पावर प्लांट्स का निर्माण करना, जहाँ खड़ी हूँ इस कॉम्प्लेक्स में, इसे जम्मू का ऐतिहासिक मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इस वक्त यहाँ का जीर्णोद्वार चल रहा है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इसे अच्छे तरीके से प्रिजर्व करने के लिए कुछ समय से यहाँ काम चल रहा है। और ये वही अहाता है, ये कॉम्प्लेक्स है मुबारक मंडी, जहाँ राजा का दरबार लगा करता था। महाराजा हरि सिंह भी यहाँ बैठा करते थे, उनका दरबार भी यहाँ लगाया जाता था। एक बहुत दिलचस्प बात महाराजा को लेकर यह है, जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता, महाराजा भारत की आज़ादी के ज़बरदस्त झंडा बरदार थे, पक्षधर थे। और 1931 में जो पहली अंग्रेज़ों के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, जिसमें जितनी भी राजशाहियाँ थी, जो प्रिंसली स्टेट्स थे भारत के, उनके प्रतिनिधि के तौर पर महाराजा हरि सिंह शामिल हुए थे। तो पहली बार अगर किसी राजा ने, किसी प्रिंसली स्टेट के अगवा ने पहली बार अगर भारत की आज़ादी की बात अंग्रेज़ों के सामने उठकर की, कही, तो वो महाराजा हरि सिंह थे। उन्होंने खुलकर इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 1931 में भारतीयों को समान हकों की बात कही, उन्होंने भारत की आज़ादी की बात कही।
1931 में लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, जहाँ पे महाराजा हरी सिंह जी इंडियन प्रिंसेस के रिप्रेजेंटेटिव बन के वहाँ पर गए थे और उन्होंने अपनी तरफ से एक स्पीच भी दी। उस स्पीच में उन्होंने क्लियरली कहा कि आई एम अ इंडियन फर्स्ट देन अ महाराजा। सेकंड चीज़ उन्होंने ये बोली कि द इंडियन प्रिंसेस आर विलिंग टू ज्वाइन द फेडरेशन ऑफ इंडिया। सो ये दो बहुत महत्वपूर्ण बातें थी जो कि ब्रिटिश राज को और ब्रिटिश सरकार को पसंद नहीं आई। वो नहीं चाहते थे कि एक पेट्रियाटिक, एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट रखने वाला आदमी इतने महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पे आके ऐसी स्पीच दे। राउंड टेबल में जब अंग्रेज़ों को उम्मीद थी कि महाराजाओं की जो हेड कर रहे थे उसमें महाराजा हरी सिंह वो बात करेंगे अंग्रेज़ों के हक़ की, उन्होंने बात करी आज़ादी के हक़ की, तो अपने आप में काफ़ी प्रोग्रेसिव थे। राज की दूसरी सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट थी, लेकिन इसके बावजूद महाराजा हरी सिंह ने अंग्रेज़ों के सामने खड़े होकर भारत की आज़ादी की मांग करने की हिम्मत दिखाई थी। दावा तो ये भी किया जाता है कि महाराजा हरी सिंह भारत के साथ जम्मू कश्मीर के विलय के पक्षधर थे और भारत की आज़ादी से पहले ही उन्होंने इसकी कोशिशें भी शुरू कर दी थी, पत्राचार भी चला था जो किन्हीं कारणों से टला। उधर पाकिस्तान कश्मीर को अपने साथ मिलाने और महाराजा को अपने अधीन करने का मंसूबा पाले हुए था, लेकिन जब उसने देखा कि महाराजा हरि सिंह किसी भी सूरत में पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर का विलय नहीं होने देंगे, तो उसने एक बड़ी साजिश रची और इस साजिश के तहत कश्मीर में घुसपैठिए भेजे। कबाइलियों के नाम पर ये पाकिस्तानी फौजी थे जिन्होंने कश्मीर पर हमला बोल दिया। अब इस पे कोई शक नहीं जाहिर कर सकता कि महाराजा हरि सिंह वॉज अ नेशनलिस्टिक एंड अ पेट्रियाटिक पर्सन। हिज सेंटिमेंट्स ले वेरी क्लियरली विद इंडिया। येस, इट वॉज अ मैटर ऑफ, अब हमारे लिए ये सब असेस करना आसान है, बट आपको याद रखना होगा कि महाराजा हरी सिंह एक 80% मुस्लिम पॉपुलेटेड स्टेट के महाराजा थे, हिंदू महाराजा थे जी। तो ये कोई आसान कदम भी नहीं था, लेकिन इसमें कोई डाउट भी नहीं था उनके माइंड में कि वो हिंदुस्तान के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करेंगे। अब अगर आप हाल ही में देखिए, अगर जो हमारे ऑनरेबल लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ने एक बड़े अच्छी तरह से इस बात पर पुष्टिकरण की अपने ट्वीट में, उन्होंने कहा कि महाराजा हरी सिंह जी की इंटेंशंस पे को डिले करने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। जब महाराजा हरी सिंह जी को ये ऑप्शन दिया गया, जो कि बाकी 600 प्रिंसेस को भी दिया गया, कि आप पाकिस्तान डोमिनियन ज्वाइन करना चाहेंगे कि इंडियन डोमिनियन ज्वाइन करना चाहेंगे, महाराजा हरी सिंह जी ने जब इंडियन डोमिनियन ज्वाइन करने की इच्छा व्यक्त करी, तो उनसे कहा गया कि आप अकेले में डिसीजन नहीं ले सकते हैं, इसमें कश्मीर के लोगों से भी पूछना होगा। महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ विलय पत्र पर दस्तखत किए। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों की ईंट से ईंट बजाई और जम्मू कश्मीर को भारत से छीनने का पाकिस्तान का नापाक मंसूबा कामयाब नहीं हो पाया। जम्मू कश्मीर के लोगों को जो इन्होंने हिंदुस्तानी बनाने का हक दिया है, जिस तिरंगे पे हर नौजवान, जहाँ हर एक हिंदुस्तानी गर्व महसूस करता है कि उस तिरंगे पे लिपट के हमारी जान जाए, मैं बहुत आभारी हूँ हमारे पूर्वजों का, जहाँ हमारे महाराजा का, जिन्होंने हम लोगों को हिंदुस्तानी बनाने का हक दिया है। ऐसा प्रतीक जो हिंदू प्रतीक हो, जो इस्लाम जो दिखाता हो कि इस्लाम ने जो 800 साल का प्रजा पे राज करने के लिए आपको जाति करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो डोगरा महाराजा थे वो अपने आप में काफ़ी प्रोग्रेसिव राजा थे, तो एक कोई ऐसा हिंदू प्रतीक जो अपने आप में एक हीरो बन जाए और मॉडर्न कश्मीर का हीरो बन जाए, वो शायद शेख अब्दुल्ला को पसंद नहीं था। मुस्लिम लीग की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की राजनीति में नहीं आता था, शेख अब्दुल्ला की राजनीति में नहीं आता था, और इस कारण जब भारत के साथ विलय हुआ कश्मीर का, उसके बाद निरंतर प्रयास रहा शेख अब्दुल्ला को कि किसी तरह से इस हीरो को इतिहास से ही गायब कर दिया जाए। 1949 के बाद महाराजा हरि सिंह दोबारा इस महल या जम्मू कश्मीर में नहीं आ पाए।
अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि से अलग किए जाने की टीस जीवन भर उन्हें सालती रही और 1961 में इसी टीस को मन में लिए उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उसके बाद उनके बेटे डॉक्टर कर्ण सिंह उनकी अस्थियां लेकर जम्मू आए और यहीं पीछे तवी नदी में उनकी अस्थियों को प्रवाहित किया गया उनकी इच्छा के मुताबिक। आज 73 साल बाद महाराजा हरि सिंह को याद तो किया जा रहा है, उनकी विरासत की बातें तो हो रही हैं, लेकिन सवाल ये कि इतिहास के पन्नों में जो जगह उन्हें मिलनी चाहिए थी, जिसके वो हकदार थे, क्या वो उन्हें दी जाएगी, उसकी भरपाई हो पाएगी या महज राजनीति और कूटनीति के दावपेचों में उलझ कर रह जाएगी। जम्मू कश्मीर के आखिरी शासक महाराजा हरि सिंह पर हमारी ये खास पेशकश आपको कैसी लगी, हमें ज़रूर ट्वीट कीजिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूँ मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।